कोविड-19 के साये के बीच अब प्रशासन अलर्ट नजर आ रही है। जहां कल झारखंड सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि जितने भी पार्क हैं, जिम हैं, हॉल हैं, वो तमाम चीज़ें बंद रहेंगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू होगा। और आज आपको बता दें कि इस वक्त हम बेंगाबाद में हैं, और बेंगाबाद में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि आप मास्क लगाएँ, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और तमाम वो एहतियात जो बरतने चाहिए वो बरतने का यहाँ पर अपील कर रहे हैं। बेंगाबाद के CEO, BDO और तमाम जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं। और एक तरीके से आप देखें तो ये मार्च है, लोग मार्च निकाले हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोगों का जो है सो वो पालन करें, तमाम चीज़ों को जो है सो देखते हुए आज जो है सो प्रशासन लोगों से अपील भी कर रही है। सर, आपसे तो बात हुई, 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, अभी क्या संदेश होगा चूँकि आप मार्च भी निकाला गया है, क्या संदेश है? इस मार्च का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग के प्रखंड में आज 6 कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसको हम लोगों ने होम आइसोलेशन और 2 को अस्पताल भी भेजा है। इस भ्रमण के माध्यम से हम यहाँ के सारे दुकानदारों को, आम जनता को ये अपील करना चाहते हैं कि लोग मास्क का प्रयोग करें और जो इसका प्रोटोकॉल है डिस्टेंस बनाए रखें ताकि इस संक्रमण से बचाया जा सके। उसी को लेकर हम लोग जो है खास करके दुकानदारों को कि आप जो है अपने दुकान के सामने 2-2 गज का जो डिस्टेंस है उसका गोल घेराव करके वैसे कस्टमर को अटेंड करें, साथ ही उनको मास्क का भी पहनने के लिए हिदायत दें। बगैर मास्क वाले को आप इंटरटेन न करें, नहीं तो हम लोग सख्ती से पेश आएंगे। सर, ये चले जाते थोड़ा सा बात करते हैं। सर, इसमें अभी जैसे सरकार की जो अभी जो सरकार ने आदेश दिया है, रात 8 बजे के बाद जो चीज़ें हैं वो दुकान जो है वो बंद हो जाएगी, कर्फ्यू रहेगा, इसको लेकर के भी कुछ संदेश होगा क्या? जी, आप अवगत हैं कि आज के तिथि के प्रभाव से 8 बजे के बाद, संध्या 8 बजे के बाद जो होटल है, रेस्टोरेंट है, वो बंद हो जाएंगे। जी, ठीक है। तो इसका मेन मकसद वही है कि हम लोग इस संक्रमण को रोकें, और इस सब में आप सबकी सहभागिता है। आपसे भी अपील है कि आप अच्छे से लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जागृत करेंगे। जी जी, बिल्कुल, शुक्रिया आपका। निश्चित तौर पर रात 8 बजे के बाद जिस तरह से सरकार का जो गाइडलाइन है कि तमाम जो रेस्टोरेंट हैं या तमाम जो होटल्स हैं वो पूरी तरीके से बंद रहें, तो यहाँ पर जो है सो प्रशासन का एक तरीके से जो है सो लोग अब सभी लोगों को वो जागरूक करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम भी आपको अपडेट कर रहे हैं, खबरों से भी आप बने रहते हैं, तो आप भी एक कोविड-19 के बीच आप भी जागरूक रहें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेंगाबाद अंचल अधिकारी और बेंगाबाद पुलिस की जो टीम है वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और समझा रही है कि लोग जो है सो सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और तमाम जो दुकानदार हैं, जितने भी दुकान वाले हैं, उनसे भी अपील किया जा रहा है कि आपके दुकान में जब भी कोई आए तो आप मास्क लगा, मास्क जरूरी है, इसका भी बोर्ड अपने दुकान के सामने रखें। यहाँ पर बेंगाबाद के CEO इस वक्त खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। सर, क्या संदेश होगा आम लोगों के लिए, चूँकि कोरोना की रफ्तार बेंगाबाद में भी देखी जा रही है, अभी तक 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बेंगाबाद में 6 कोरोना पॉजिटिव निकला है, उसके प्रशासन को प्रशासन है सो इस संक्रमण को देखते हुए पूरे बाजार परिसर में और रोड पर सभी लोगों को मास्क लगाने की अपील कर रही है, और इस कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना, सैनिटाइज लगाना, मैंने हर तरह से हम लोगों को एहतियात के तौर पर सावधान रहना जरूरी है। यही प्रखंड प्रशासन बाजार या बाजार में आने वाले लाभुक या क्रेता लोगों से अपील कर रही है, दुकानदारों से अपील कर रही है कि सभी लोग मास्क लगाएं, और क्रेता खरीदने वाले भी मास्क लगा के बाजार खरीदने के लिए आए हैं। तो बेंगाबाद CEO हैं, उनका भी कहना है कि लोगों से जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी पालन करें। हम पुलिस के कुछ पदाधिकारियों, कुछ जवान से भी बात करवाएंगे जो बेंगाबाद में अभी पुलिस सब इंस्पेक्टर के तौर पर अभी मौजूद हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, आने वाले दिनों में वो थाना के अध्यक्ष भी होंगे और तमाम चीज़ें उनके पास होंगी। प्रशासन महकमा भी एक कोविड का जब कोविड-19 का जब साया आया तो भारत में
पुलिस प्रशासन, पदाधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, तमाम कई लोग आगे आए लोगों की सेवा के लिए। कोविड 19 का साया है, आप भी लगातार लगे हुए हैं, क्या संदेश है? संदेश यही कि अभी वर्तमान में पूरे भारत में एक बार फिर से कोरोना का व्यापक रूप धारण कर रहा है, जिसको देखते हुए हमारे बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत जनता को फिर से जो पहले किया जा चुका था फिर से उनको पुनः याद दिला करके ये बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग हर संभव करें, हर जगह करें, ताकि आप इस बीमारी को दूर तो नहीं कर सकते लेकिन इससे बचाव कर सकते हैं, बस यही हमारा प्रथम उद्देश्य है। निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन का दौर है और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको भी एहतियात बरतने हैं ताकि कोविड 19 से आप बच सकें। हालांकि कोविड 19 का जो वैक्सीनेशन है उसका भी दौर चल रहा है और दूसरी तरफ लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, तो ऐसे में स्थिति चिंताजनक है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और झारखंड सरकार ने भी कदम उठा लिए हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाए। न सिर्फ झारखंड में बल्कि अन्य देशों में भी कोरोना की ज़बरदस्त जो बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है। ऐसे में आपसे समाधान इंडिया भी अपील करती है कि आप भी बचे रहें और कोविड 19 से बचाव के जितने भी एहतियात हैं उसे अमल में लाने का प्रयास करें। हम आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, बेंगाबाद।